हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं केएफसी बिग बैश लीग के फाइनल मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा सिडनी सिक्सर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच में सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर 24 जनवरी को दोपहर के 2:10 पर। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर। अगर मैं आपसे बात करता हूं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो ये बात हम सभी को पता है, ये जो मैदान है ये बल्लेबाजी करने के लिए बहुत ही कमाल का है, अच्छे खासे रन बनते हैं इस मैदान पे। लेकिन ये बात हमको ध्यान देनी पड़ेगी कि इस मैदान पे स्पिनर्स को हेल्प मिलती है और दोनों ही टीमों के अंदर कुछ बहुत ही बेहतरीन स्पिनर्स हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं सिडनी सिक्सर्स के बारे में, जिनको अपने होम ग्राउंड के ऊपर ये मुकाबला खेलने का मौका मिल रहा है। टीम आज तक 3 खिताब को अपने नाम कर चुकी है और इस बार टीम 4 भी ट्रॉफी को अपने नाम करना चाहेगी। सिडनी की सबसे खास बात यह है ना कि बैटिंग में ये टीम ऐसे यूनिट खेलती है, आपको जो इनके प्लेयर्स है ना ऐसे टॉप लिस्ट में नहीं दिखेंगे रन स्कोरर्स की, क्योंकि हर मुकाबले के अंदर कोई ना कोई एक नया हीरो मिलता है और ये टीम एक प्लेयर के ऊपर बिल्कुल रिलाय नहीं करती। जॉश फिलिपे, मोजेस ऑनरीकेस, डेनियल ह्यूस और जॉर्डन सिल्क, ये चारों ये मुकाबला खेलने वाले हैं। चारों ने बहुत शानदार खेला पूरे टूर्नामेंट के अंदर और ये बहुत सालों से इस टीम के लिए खेलते हुए आ रहे हैं। और ये सिडनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इस टीम में ना कंसिस्टेंसी बनी हुई है, ये टीम इतने बदलाव नहीं करती और ये सबसे अच्छी बात है इस टीम की। इस बार टीम को कुछ नए हीरो मिले, जिनमें सबसे पहला नाम आता है जैक एडवर्ड्स का। उन्होंने गेंदबाजी के अंदर 16 विकेट निकाले हैं इस टीम के लिए, उसके अलावा इस मुकाबले के अंदर वो ओपन भी करने वाले हैं। जैक एडवर्ड्स ने कमाल किया इस साल सिडनी की टीम के लिए। अगर मैं बात करता हूं गेंदबाजी की, तो बैंड वॉर्शिस ने इस टीम के लिए 16 विकेट निकाले हैं। फिर एक बार इस मुकाबले के अंदर जो बैंड वॉर्शिस है ना वो कमाल करना चाहेंगे। स्पिन बॉलिंग में जो स्टीव ओकीफ है उनको इस मैदान पे खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। स्टीव ओकीफ फिर एक बार इस मुकाबले के अंदर एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करेंगे। और टॉड मर्फी ने भी कुछ काफी कमाल के स्पेल डाले इस टीम के लिए और इस मैदान पे उनको भी हेल्प मिलने वाली है। फिर हेडन केयर का ऑप्शन है, शॉन एबट का ऑप्शन है, दोनों बहुत अच्छी तेज गेंदबाजी भी करते हैं, दोनों बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो ये इस टीम को ना स्ट्रेंथ देते हैं। तो बहुत ही ज्यादा शानदार टीम है सिडनी के पास, एक बहुत ही मैच्योर टीम है, अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, अच्छे तेज गेंदबाज हैं, अच्छे स्पिनर्स हैं। तो सिडनी के पास एक बहुत ही कमाल का मौका है अपने होम ग्राउंड के ऊपर एक और ट्रॉफी को अपने नाम करने का। तो इनके लिए इस मुकाबले में ओपन कर सकते हैं जैक एडवर्ड्स और डेनियल ह्यूज, नंबर 3 पे जॉश फिलिपी, नंबर 4 पे मोजेस ऑनरीकेस, नंबर 5 पे जॉर्डन सिल्क, नंबर 6 पे जोवेल डेविस, नंबर 7 पे शॉन एबर्ट, फिर हेडन केयर, बैंड वॉर्शियस, स्टीव ओकीफ और टॉड मर्फी। तो बहुत ही सेटल टीम है सिडनी की और ये लोग इस मुकाबले में जीतना चाहेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूं ब्रिस्बेन हीट के बारे में। तो ब्रिस्बेन हीट पिछले साल भी बीबीएल के फाइनल के अंदर हार गई थी और इस बार ये टीम फाइनल मुकाबला जीतना चाहेगी और 11 साल बाद ट्रॉफी को अपने नाम करना चाहेगी। आज तक टीम एक बार चैंपियन बनी है, लेकिन पिछले 11 साल से जो ब्रिस्बेन की टीम है ना किसी ट्रॉफी को अपने नाम कर नहीं पाई। इस सीजन में जो ब्रिस्बेन की टीम है काफी कमाल खेली, टीम ने अपने 9 जो स्टार्टिंग जो लीग मुकाबले थे उसमें से एक भी मुकाबला हारा नहीं, लेकिन उसके बाद इनके ओवरसीज प्लेयर चले गए तो टीम 10वां मुकाबला भी हार गई, फिर टीम क्वालिफायर मुकाबला भी हार गई। इस वजह से टीम को एक और मौका मिला चैलेंजर मुकाबले में, जहां टीम ने एक तरफा जीत हासिल करी। अब देखो उस जीत के अंदर आपको एक बात तो नोटिस करना पड़ेगा कि जॉश ब्राउन ने अकेले दम पे इस टीम को पिछला मुकाबला जिताया, जो उन्होंने पारी खेली ना मेरे हिसाब से बिग बैश लीग की वन ऑफ द बेस्ट एवर पारी थी वो, उन्होंने अकेले दम पे टीम को जितवा दिया। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूं ब्रिस्बेन हीट की बल्लेबाजी काफी कमजोर हो चुकी है, ब्राउन के अलावा बाकी सारे जो बल्लेबाज थे पिछले मुकाबले के अंदर वो फ्लॉप हो गए थे। मनरो बिलिंग्स के जाने के बाद इस बैटिंग में काफी असर दिखा है और इस मुकाबले में देखने वाली बात होगी कि सिडनी की अच्छी गेंदबाजी के सामने इनके बल्लेबाज क्या कर पाएंगे। अगर इनके बल्लेबाज डिसेंट खेल गए तो जो इस टीम की गेंदबाजी है ना वो इस टीम का सबसे बड़ा पॉइंट है। जेवियर बार्टलेट ने इस टीम के लिए 18 विकेट निकाले हैं, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन रहा है इस टीम का। फिर एक बार बार्टलेट अच्छा करना चाहेंगे, 16 विकेट मिले हैं पॉल वॉल्टर को, बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर है, डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, फिर एक बार कंटिन्यू करना चाहेंगे। और 15 विकेट मिले हैं स्पेंसर जॉनसन को भी, उनके
लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग बहुत क्विक रही है और पावर सर्ज में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो ये तीनों तेज गेंदबाज बहुत कमाल कर रहे हैं इस टीम के लिए। फिर माइकल नेसर को 11 विकेट मिले हैं, इनके पास जो दो स्पिनर्स हैं मिचेल स्वेप्सन और मैथ्यू कुनमैन वो भी काफी शानदार खेले हैं, तो बॉलिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्रिस्बेन की। अगर ये टीम बल्लेबाजी में अच्छा कर गई ना तो इस टीम को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। इनके लिए ओपन कर सकते हैं जॉश ब्राउन और जिमी पियर्सन। नंबर तीन पे आपके आएंगे इस मुकाबले में नेथन मैक्सवीनी, नंबर चार पे मैट रेनशॉ, नंबर पांच पे मैक्स ब्रायंट, नंबर छह पे पॉल वॉल्टर, नंबर सात पे माइकल नीसर, फिर आपके आएंगे जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुनमैन, मिचेल स्वेप्सन और स्पेंसर जॉनसन। तो ये टीम भी बहुत अच्छी है, गेंदबाजी बहुत अच्छी है, बल्लेबाजी देखनी पड़ेगी। आप कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। अब देखो दोनों टीमों में क्वालिटी है, लो फाइनल मुकाबला खेल रहे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों डिजर्विंग टीमें हैं, किसी एक टीम को चूज करना काफी मुश्किल काम है। पर अगर मैं बैलेंस के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है सिडनी सिक्सर्स इस मुकाबले को अपने नाम करेगी और अपने होम ग्राउंड के ऊपर उनको चौथी बीबीएल ट्रॉफी मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।